आज हम देखेंगे बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस। प्रतित्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है उसी से क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रतिफलित होता है, और प्रतित्य समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार बौद्ध दर्शन ये बताता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई कारण के अनुसार होती है, और जैसे ही कारण समाप्त हुआ वह वस्तु भी समाप्त हो जाती है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि इस विश्व की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, अशाश्वत है। प्रतित्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है उसमें अर्थ क्रिया कारित्व लक्षणा सत, ये सिद्धांत उसमें निहित है। अर्थ क्रिया कारित्व लक्षणा सत, इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी वस्तु की सत्ता या किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब तक ही माना जा सकता है जब तक उसमें किसी न किसी प्रकार से कार्य करने की शक्ति उपस्थित हो। अर्थात यदि एक वस्तु से एक ही समय में एक ही कार्य संभव है तो इससे यह प्रमाणित होता है कि दूसरे समय में एक दूसरे कार्य का निर्माण होता है, क्योंकि एक समय में एक वस्तु से एक ही कार्य का निर्माण संभव है तो दूसरे समय में दूसरे कार्य का निर्माण होता है। तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि पहली वस्तु का जो अस्तित्व है वो केवल क्षण मात्र के लिए ही था। जैसे बौद्ध दर्शन में बीज के उदाहरण से बताया गया है कि बीज का अस्तित्व क्षणिक होता है, क्योंकि अगर वो नित्य होता तो उसका जो कार्य है पौधे को उत्पन्न करने का वो हमेशा चलता रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बीज समाप्त हो जाता है और बीज से पौधा बनता है, पौधे का निर्माण होता है। पौधा भी निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, पौधा अगर नित्य होता तो वो वृक्ष नहीं बन पाता। तो पौधे का जो प्रत्येक क्षण है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी विकास हो रहा है, और विकास की इस प्रक्रिया में हर एक क्षण दूसरे क्षण से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल पृथक है। अब यहाँ पर बौद्ध दर्शन जो बात बताना चाह रहा है वो यही है कि बीज की तरह संसार की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणिक है, और इसी को क्षणिकवाद कहा गया है। अगर ये देखें कि क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है वह एक प्रकार से मध्य मार्ग है, ये कहा जाए कि प्रत्येक वस्तु सत है तो ये एक प्रकार से एकांतिक या एक तरफा एक मत होगा, वन साइडेड व्यू होगा। और अगर ये भी कहा जाए कि प्रत्येक वस्तु असत है तो ये वापस से एक वन साइडेड व्यू होगा, एकांतिक विचार होगा। लेकिन बुद्ध ने इन दोनों मतों को छोड़कर, इन दोनों विचारों को छोड़कर कि सत है और असत है, उन्होंने एक मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। और मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत है वो यही है कि जीवन परिवर्तनशील है। तो महात्मा बुद्ध ने सत अर्थात बीइंग और असत अर्थात नॉन बीइंग का समन्वय किया। अब ये जानना जरूरी है कि बौद्ध दर्शन में जो सत है वह अनित्य है,
और जो परिवर्तनशील है वह सत्य है, अर्थात जो अनित्य नहीं है, जो परिवर्तनशील नहीं है तथा जो प्रतिक्षण बदलने वाली नहीं है वह बौद्ध दर्शन में असत होगी। ये क्षणिकवाद का सिद्धांत है, यानी रियलिटी का स्वरूप जो है वो इम्परमानेंट है, रियलिटी इज इम्परमानेंट। तो सभी जगहों पे क्या दिखाई देता है? इम्परमानेंस, अनित्यता, इम्परमानेंस। ये बौद्ध दर्शन इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त करता है। अब इसी क्षणिकवाद के सिद्धांत से अनात्मवाद आता है। बुद्ध ने शाश्वत आत्मा का निषेध किया है, कहते हैं कि विश्व में न कोई आत्मा है और न ही कोई आत्मा की तरह कोई अन्य वस्तु है। तो जिस बात का खंडन हो रहा है वो है एंड्योरिंग सेल्फ का, शाश्वत आत्मा का खंडन महात्मा बुद्ध करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आत्मा जो है ये पांच स्कंद हैं उनकी समष्टि का नाम ये आत्मा है। और ये पांच स्कंद कौन से हैं? कि वेदना, संज्ञा, संस्कार, नाम और विज्ञान। अर्थात संज्ञा, रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान, ये पांच स्कंद हैं। और ये स्कंद जो हैं ये परिवर्तनशील हैं, इसलिए आत्मा को भी आप परिवर्तनशील दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। अर्थात अपरिवर्तनशील नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई तत्व नहीं है। अब ये विचार एक प्रकार से महात्मा बुद्ध जो कह रहे हैं वे एक प्रकार से उपनिषद दर्शन में भी इस प्रकार से उपनिषद जो दर्शन है उसमें शाश्वत आत्मा को सत्य माना गया है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इसके विपरीत अनित्य आत्मा की सत्यता प्रमाणित की है। तो क्योंकि बौद्ध दर्शन वेद विरोधी हो गए, वेदों को नहीं मानते, इसलिए इन्हें नास्तिक दर्शन में रखा गया है। जैसे चार्वाक है, बौद्ध है और जैन दर्शन है, क्योंकि अब वेद के अनुकूल नहीं है, वेद के प्रतिकूल है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि महात्मा बुद्ध अनात्मवाद सिद्धांत के समर्थक हैं और एक प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यों को भी आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। वो कहते हैं आत्मदीपो भव, कि तुम स्वयं ही अपना प्रकाश बनो, और शिष्यों को स्वयं ही प्रकाश खोजने का आदेश दिया। तो बुद्ध ने अशाश्वत आत्मा को नहीं माना है, अर्थात देयर इज नो एंड्योरिंग सेल्फ। अब वो इतनी सारी बातें जब वो कर रहे हैं तो इसमें कई ऐसी आपत्तियां भी आती हैं कि अगर क्षणिकवाद को माने तो फिर कार्य कारण संबंध की व्याख्या करना कठिन हो जाएगा। यदि कारण एकमात्र क्षण के लिए है या क्षण मात्र के लिए ही रहता है तो उससे कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि कार्य की उत्पत्ति करने के लिए कारण की सत्ता एक क्षण से अधिक समय के लिए रहनी चाहिए। तो कारण ही अगर क्षणिक है तो कार्य कैसे उत्पन्न होगा? फिर कर्म का सिद्धांत में भी कठिनाई आएगी कि यदि एक व्यक्ति ने जो कर्म किया है और वो क्षणिक होने के कारण नष्ट हो गया तो दूसरा व्यक्ति हो गया वो, और दूसरे व्यक्ति को फिर पहले व्यक्ति के कर्म का फल कैसे मिल सकता है? तो इस प्रकार के कुछ आपत्तियां हैं इस सिद्धांत के विरुद्ध या एक इस विचार के विरुद्ध, ये इस प्रकार की आपत्तियां भी चल रही है। और फिर निर्वाण का विचार भी खंडित हो जाएगा कि जब व्यक्ति ही क्षणिक है तो फिर दुख से मुक्त होना या मुक्त होने के लिए प्रयास करना वो ही निरर्थक है, क्योंकि दुख से मुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मिलेगी। तो ये इस प्रकार की कुछ क्षणिकवाद के विरुद्ध कुछ आपत्तियां हैं।
और महात्मा बुद्ध, ये मूल रूप से उनका जो विचार है वो मेटाफिजिकल एटीट्यूड के विपरीत था। वो तत्व मीमांसा जो प्रवृत्ति है उसका वो विरोध करते थे, और एक व्यवहारिक सिद्धांत उन्होंने दिया कि व्यक्ति को अपने दुखों के अंत के लिए प्रयास करने चाहिए, और वो उन्होंने मार्ग भी बताया जो कि अष्टांगिक मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है।